नमस्ते छात्रों, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था फसलों के प्रकार, खरीफ और रबी की फसल। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था आधारिक फसल पद्धति, यानी फसल उगाने के कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहले था मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के बाद इसका सेकंड चरण आता बुआई करना। बुआई करना ये इसका सेकंड चरण आता है। बुआई करने में अपन क्या काम में लेते हैं, बीज काम में लेते हैं ना। बुआई करने के लिए एक अपन अच्छा बीज काम में लेंगे, स्वस्थ बीजों का ही चयन करते हैं। स्वस्थ बीजों का चयन करने से क्या होता है कि जो पौधे बनेंगे, फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी और उससे उसके मतलब उत्पादन बहुत अच्छा होगा। जो इसके बुआई के लिए जो अपन काम में लेते हैं, हल्के बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्के बीजों का प्रयोग करेंगे अपन कहीं पर भी बीज अगर बुआई के अंदर, तो अपने जो फसल का उत्पादन होगा वो कम होगा। यानी बुआई करने के लिए अपने को अच्छे बीज और उपयुक्त किस्म, अच्छी किस्म यानी अच्छी क्वालिटी के बीज अपने को खेत के अंदर बोने चाहिए। अब यहाँ अपन लिख सकते हैं बुआई के अंदर, बुआई में स्वच्छ व अच्छी किस्म के बीजों का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। बुआई के लिए स्वच्छ व अच्छी किस्म के बीजों का चयन किया जाता है। अपन जो बीज बोते हैं, बीज अगर जैसे कोई फसलों के आधार पर अपन बीज बोते हैं, जैसे मक्के की अगर फसल बो रहे हैं तो उसके अंदर निश्चित दूरी होनी चाहिए। यानी जो बीज बोते हैं उसके अंदर निश्चित दूरी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उसका उत्पादन अच्छा होगा। पर जैसे बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो जिनके अंदर दूरी नहीं चाहिए, जैसे गेहूं की फसल बोते हैं तो गेहूं के बीज अपन जो खेत में डालते हैं तो बिल्कुल लगातार डालने पड़ते हैं, और जो मक्के की फसल बोते हैं तो उसमें अपन लगातार न डाल के कुछ अंतर होना चाहिए। और इसके बाद अपन पढ़ते हैं जो अपन जो बुआई करते हैं, ये इनके औजार है, उनको अपन दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। अपन बुआई करने वाले उपकरणों के प्रकार, उपकरणों के प्रकार बुआई करते हैं, इन उपकरणों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो परंपरागत उपकरण या परंपरागत औजार या क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं उपकरण, और दूसरा है सिड्डल ड्रिल। ये क्या होता है, परंपरागत औजार क्या होता है, परंपरागत औजार के अंदर अपन जो बीज बोते हैं वो बेलों की सहायता से बोते हैं। बेलों की सहायता से यानी खेत के अंदर बेल काम में लेते हैं और वहां पर एक हल लगा हुआ था, और हल के पास एक कीप नुमा आकार का एक पाइप के ऊपर एक कीप नुमा आकार की ऐसी संरचना बनी होती है। इसके अंदर अपन यहाँ से बीज को डालते हैं और ये बीज सीधा यहाँ से आके और यहाँ पर हल नुमा संरचना होती है, वहां से जो ये हल चलता तो इसके अंदर ये लाइन बनती जाती, पूरे से खड्डा बनता जाता है और इसके यहाँ बीज आते जाते और ऊपर वापस मिट्टी, इसके पीछे कुछ ऐसा अपन लगा देते हैं लकड़ी का कुछ डंडा वगैरह, जिससे मिट्टी वापस इसके ऊपर गिरती रहती है। ये तो होता है परंपरागत औजार। और दूसरा होता है सिड्डल ड्रिल। ये सिड्डल ड्रिल क्या होता है, आजकल जो अपन सिड्डल ड्रिल को मशीन के नाम से जानते हैं, मशीन के अंदर अपन ये सिड्डल ड्रिल के अंदर क्या होता है कि बीज और खाद को अपन मिला देते हैं। बीज और खाद को मिलाने के बाद इसके अंदर सात या आठ ऐसे वो होते हैं उसमें हल जैसी संरचना, और एक ही साथ सात या आठ लाइनें एक साथ खेत के अंदर बुआई हो जाती है, और इनके अंदर जो होते हैं एक निश्चित दूरी होती है। निश्चित दूरी के बाद बीज एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित लाइन में गिरता है, और सिड्डल ड्रिल एक आधुनिक पद्धति है और इससे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जगह पर अपन बुआई कर सकते हैं। यानी इसको अपन मशीनी उपकरण है ये, और ये परंपरागत औजार यानी जो पुराने समय में काम में लेते, आज भी ये चीज चल रही परंपरागत औजार के वाले।
इसके बाद इसके फसल उत्पादन का तीसरा चरण होता है खाद एवं उर्वरक देना। थर्ड लिखते हैं खाद एवं उर्वरक, इसका तीसरा चरण है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक में क्या होता है, अपन फसल बोते हैं, फसल उग जाती है तो उसके अच्छे उत्पादन के लिए यानी उसकी अच्छी वृद्धि हो इसके लिए अपन खाद एवं उर्वरक देते हैं। तो जैसे अपन लगातार किसी खेत में फसल बो रहे हैं और अगर उसके बीच में अंतराल नहीं दे रहे हैं, अंतराल का मतलब कभी अपन उसको छोड़ते नहीं इस खेत को और लगातार फसल बोते जा रहे हैं, तो फसल के उत्पादन क्या कम होने लग जाता धीरे धीरे। तो इस फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, खाद डालते हैं। और खाद क्या होता है, खाद सड़े गले पेड़ पत्तों के पौधों तथा ये जो पादप उत्पाद यानी गोबर, इन सभी को अगर किसी एक गड्ढे में अगर एकत्रित कर दे फिर उसके अंदर पानी छोड़ दे तो वो एक खाद का रूप धारण कर लेता है। और खाद से क्या होता है कि फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। खाद में विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व जो पौधे के लिए जरूरी होते हैं। और इन्हें वो होते हैं, एक तो नाइट्रोजन होते हैं और ये जो पौधे मतलब खाद होता है इसके अंदर ह्यूमस होता है, ह्यूमस यानी पानी को अवशोषण करने की क्षमता होती है। जैसे अगर किसी खेत में ऊपर खाद डालते हैं तो वो खेत पानी को ऑब्जर्व यानी अवशोषण ज़्यादा करता है यानी पानी को ज़्यादा सोखता है वो खेत। अगर खाद नहीं डालेंगे तो खेत पानी को कम सोखेगा यानी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और उर्वरक से क्या होता है, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जिनका उत्पादन अपन क्या वहाँ पर करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। उर्वरक के अंदर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ऐसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें उर्वरक के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन खाद की परिभाषा पढ़ लेते हैं, खाद या उर्वरक की परिभाषा क्या होती है। वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखते हैं उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। ये परिभाषा लिखी अपन ने, वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखते हैं उन्हें अपन खाद या उर्वरक कहते हैं। मिट्टी के पोषक स्तर का मतलब होता है मिट्टी के अंदर जो पोषकता का जो मान पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अपन लिख सकते हैं पोषक तत्व में क्या क्या आता है, क्वेश्चन में लिख सकते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को अपन एन से प्रदर्शित करते हैं या N2 भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस को अपन P से प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद पोटेशियम को अपन K से प्रदर्शित करते हैं। ये जो पोषक तत्व होते हैं, इसके बाद अपने को पढ़ना है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होते हैं। इसके बाद लिखेंगे अपन खाद एवं उर्वरक में अंतर। इसके लिए अपने को सारणी बनानी पड़ेगी, खाद एवं उर्वरक में क्या क्या अंतर होते हैं। यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या लिखने के बाद फर्स्ट लिखेंगे उर्वरक और दूसरा लिखेंगे खाद। नंबर एक, उर्वरक का जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्रियों के अंदर होता है, तो यहां लिखेंगे उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ये लिख दिया।
खाद अपन कहाँ बनाते हैं, खाद तो अपन खाद बनाने के लिए क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे के अंदर गाय भैंस होते हैं उसका मल यानी गोबर और पेड़ पत्तों के छाल या पत्ते किसी भी पेड़ के उनको अपन डाल देते हैं और एक साल या 5-6 महीने के लिए अगर उनको रख देते तो वो खाद का निर्माण कर लेते हैं। तो इसका निर्माण अपन ऐसे लिखते हैं भाई, खाद खेतों में बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है, खाद का निर्माण कहाँ किया जाता है, खेतों में किया जाता है। फिर उसके बाद उर्वरक है, उर्वरक मानव निर्मित लवण है, उर्वरक मानव निर्मित लवण है, यानी उर्वरक का उत्पादन मनुष्य द्वारा यानी फैक्ट्री के अंदर किया जाता है। लवण किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो अम्ल व सार से मिलकर बने होते हैं उन्हें लवण कहते हैं। और दूसरा अपन इसका जो खाद होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निर्माण गोबर व पेड़ पौधों के पत्तों से होता है। खाद का निर्माण गोबर व पेड़ पौधों के पत्तों से होता है। और उर्वरक का जो निर्माण होता है वो लवण से, विभिन्न प्रकार के लवणों को मिलाकर अपन उर्वरक का उत्पादन करते हैं। फिर उर्वरक से जो मिट्टी को ह्यूमस कम प्राप्त होती है, ह्यूमस यानी जो पानी को जो अवशोषण करने की क्षमता वो कम प्राप्त होती है। यह लिखेंगे उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस कम प्राप्त होती है जबकि खाद से ह्यूमस यानी पानी को अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा प्राप्त होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। तीन अंतर लिखे थे, पहला लिखा था उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक मानव निर्मित लवण है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निर्माण गोबर व पेड़ पौधों से किया जाता है। इसके बाद मैंने लिखा था उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस कम प्राप्त होती है जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसके बाद एक और इसका अंतर है वो लिखना है, चार अंतर है इसके। उर्वरक में पोषक तत्व कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो उर्वरक होते हैं इनके अंदर जो पोषक तत्व होता है इनको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है जबकि खाद के अंदर इनके जितनी मात्रा नहीं होती है, यानी पोषक तत्व की मात्रा खाद में पोषक तत्व की मात्रा पर्याप्त होती है, पोषक तत्वों की मात्रा उर्वरक की तुलना में कम होती।
उर्वरक की तुलना में कम होती। ये जो अपन ने अंतर पढ़े थे चार अंतर, उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती, खाद में पोषक तत्वों की मात्रा उर्वरक की तुलना में कम होती, यानी इनकी तुलना में उर्वरक कम होता है। अब इसके बाद अपन एक और चीज देख लेते हैं, ये उर्वरक और खाद में अगर ज्यादा अपन उर्वरक का प्रयोग करते हैं कहीं खेतों में तो इससे क्या फसल को नुकसान होने लग जाता है, क्योंकि ये तो केमिकल होता है, केमिकल से जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। जबकि अपन खेत में कितने ही मात्रा में खाद का प्रयोग करें तो उससे कभी मिट्टी खराब नहीं होती है, यानी अपने को अधिकतर से अधिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। खाद के प्रयोग करने से फसलों का उत्पादन अधिक होता है, जबकि उर्वरक के उत्पादन करना तो चाहिए पर इतना नहीं कि वो ज़्यादा हो जाए और मतलब फसल खराब होने लग जाए और फसलों का मतलब जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के अपन ऐसे देखा जाए ओवरऑल तो खाद का यूज ही करना चाहिए, खाद ही इनमें अच्छा है। इसके बाद आगे वाला टॉपिक है इसमें सिंचाई करना, फोर्थ टॉपिक है सिंचाई करना। खाद एवं अगर कोई फसल है पहले तो अपन बोलते हैं, सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार के बाद अपन उस फसल को बोते हैं बुआई करते हैं, उसके बाद खाद और उर्वरक उसको देते हैं और उसके बाद आगे वाली प्रक्रिया होती है सिंचाई करना। सिंचाई करना सभी को पता है कि किसी मिट्टी फसल को पानी देने की प्रक्रिया को अपन सिंचाई कहते हैं। तो ये परिभाषा लिख देते हैं, फसल को पानी देने की प्रक्रिया, पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। यदि कोई फसल है उसको अपन पानी पिलाते हैं तो उसी प्रक्रिया को अपन सिंचाई कहते हैं। सिंचाई की विभिन्न प्रकार के उपकरण है तो इसमें अंदर अपने को सिंचाई की दो प्रमुख प्रकार की जो आधुनिक प्रकार की जो विधियां हैं उसको दो प्रमुख प्रकार की विधियों के अंदर वर्गीकरण किया गया है। सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां, आधुनिक पद्धतियां, आधुनिक पद्धतियां, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है ड्रिप तंत्र विधि, ड्रिप तंत्र विधि, और सेकंड है इसकी, सेकंड विधि का नाम है इसके अंदर छिड़काव तंत्र विधि। सेकंड विधि देगी इसकी छिड़काव तंत्र विधि, छिड़काव तंत्र विधि, यानी फसल को अपन पानी देते हैं, यानी फसल को पानी देने की प्रक्रिया को तो बोलते हैं सिंचाई, और सिंचाई की दो विधियां हैं, पहली है ड्रिप तंत्र विधि, दूसरी है छिड़काव तंत्र विधि। तो बच्चों आज की क्लास में अपन इतना ही अध्ययन करेंगे और बाकी जो ये दो विधियां आधुनिक पद्धतियां इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू आज।